और चलिए अब खबरों में विस्तार से आगे बढ़ते हैं। तो चीन से तनाव पर विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एलएसी पर ऐसे हालात पहले कभी नहीं बने, 1962 के बाद पहली बार हालात बिगड़े हैं। विदेश सचिव ने कहा कि देश की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि चीन से विवाद सुलझाने को लेकर सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत जारी है। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक सीमा पर शांति नहीं होती, व्यापार सामान्य नहीं हो सकता। I've also said that we'll be firm and resolute in resisting this. As far as we are concerned, there will be no compromise on our sovereignty and territorial integrity. At the same time, we are, as a responsible nation, always willing to talk, always willing to engage. But it is a fact that, it cannot be business as usual. Unless there is peace and tranquility in our border areas, the normal bilateral relationship will be affected. There is a linkage between what is happening on the border and our larger relationship, and that fact, I think, is very, very evident. We are, involved with resisting the threat of terrorism. We are directly in the, I would say, a target of global and cross-border terrorism. Radical ideologies continue to generate violence and insecurity. As a country that has faced terrorism, we are steadfast in seeking action against terrorists and their sponsors. While our efforts in this regard has found global support and resonance, we need to ensure that the world follows an undifferentiated and unambiguous approach to terrorism. हाल के दिनों में यह साबित हुआ है कि चीन भी झुक सकता है अगर झुकाने वाला मजबूत हो। यह सिर्फ अब कोरे दावे नहीं है, गलवान से पेंगोंग तक भारत के पराक्रम के बाद यह सच्चाई सामने आई। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लद्दाख में दिया गया बयान तो याद ही होगा। गलवान की गौरव गाथा के बाद 3 जुलाई को पीएम मोदी निम्मू गांव पहुंचे तो चीन को सुदर्शन चक्र वाला संदेश दिया था। भारत ने श्री कृष्ण का सुदर्शन स्वरूप दिखाया तो अब चीन बैकफुट पर है, बातचीत की गुहार लगा रहा है। लद्दाख दौरे पर सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने साफ शब्दों में कहा कि भारत अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। श्री कृष्ण के विराट स्वरूप से कांप उठे कौरव। जय हिंद की सेना ने विराट अवतार से चीन में हाहाकार। रण नहीं, अब चीन की जुबान पर याचना है। हुंकार नहीं, अब चीन बातचीत को तैयार है। 3 महीने में ये 3 तस्वीरें देखकर चीन बेचैन हो उठा है। सरहद पर संकट के बीच पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अग्रिम मोर्चे पर पहुंचे, फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अब सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। अग्रिम मोर्चे से चीन को भारत का अग्रिम संदेश साफ है कि भारत ना अब रुकेगा ना झुकेगा और अब चीन ही टूटे। अभी जो LAC के ऊपर जो स्थिति है वो थोड़ी नाजुक है, गंभीर है, लेकिन हम लगातार इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं। हमारी सुरक्षा के लिए हमने कुछ एहतियाती कदम उठाए थे और इससे हमें भरोसा है कि स्थिति कायम रहेगी, और जो भी हमने कदम उठाए हैं वो हमने LAC के ऊपर उठाए हैं। जैसे मैंने कहा कि जो भी हम हरकतें देख रहे थे उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी सुरक्षा के लिए हमने जो कदम उठाने थे वो हमने उठाए हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो हमने डिप्लॉयमेंट की है उससे हम अपनी सुरक्षा कायम रखेंगे। परीक्षा की घड़ी है, लेकिन भारत की तैयारी भी बड़ी है। चीन की हर हरकत से भारत अब और ज्यादा चौकन्ना है। अपाचे की उड़ान, MI-17 की ललकार और T-90 की भीष्म प्रतिज्ञा ने चीन को बेचैन कर दिया है। और 2 दिन के LAC दौरे से सेना प्रमुख ने भी साफ कर दिया है कि सेना के हौसले बुलंद हैं और इरादे आक्रामक।
भारत जानता है कि परीक्षा की घड़ी आई है, इसलिए जय हिंद की सेना का जोश हाई है। कल मैं ले पहुंचने के बाद मैं अलग अलग जगह पर गया था और हर जगह पर मैंने ऑफिसर्स और जेसीओ से बात की और स्थिति का जायजा लिया। जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा है और वो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है और मैं यकीनन कह सकता हूं कि हमारे जवान सबसे अच्छे जवान हैं और वो ना सिर्फ इंडियन आर्मी का लेकिन देश का भी नाम रोशन करेंगे। लद्दाख में सेना प्रमुख का दौरा ऐसे वक्त हुआ जब चीन साजिश पर साजिश कर रहा है, लेकिन भारत के शूरवीरों ने अपने पराक्रम से चीन को कई बार सबक सिखाया है। भारत का प्रण है याचना नहीं अपरण है। अब चीन के अतिक्रमण वाले संक्रमण से आर पार की जंग है। ब्यूरो रिपोर्ट,